सेट ऑफ स्टूडेंट सिक्योरिंग फर्स्ट क्लास मार्क्स इन मैथमेटिक्स इंग्लिश. तो बी जो है वो है सेट ऑफ स्टूडेंट्स सिक्योरिंग फर्स्ट क्लास मार्क्स इन मैथमेटिक्स. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू 80. फिर कह रहे हैं 50 स्टूडेंट ऑब्टेन फर्स्ट क्लास मार्क्स इन मैथमेटिक्स. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी इज इक्वल टू 50. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 10. हमारे को वैल्यू निकालनी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए माइनस बी की. ओनली इंग्लिश के लिए यूज किया जा रहा है ए माइनस बी. ठीक है तो हम चलते हैं. देखो नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी. टोटल स्टूडेंट 80. नंबर ऑफ ए के अंदर जो सेट है एलिमेंट इंग्लिश का उसके वैल्यू हमारे पास नहीं गिवन है. तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू 50 इंटरसेक्शन अंदर 10. तो यहां से नंबर ऑफ 80 50 में से 10 गए 40 इधर आगे माइनस का 40 इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए. तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 40. तो इंग्लिश के अंदर जिन बच्चों ने मार्क्स गेन किए वो आगे 40 स्टूडेंट. तो नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी. तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी ए के अंदर 40 माइनस का 10. तो दैट इंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी इज इक्वल टू 30. तो 30 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने फर्स्ट क्लास मार्क्स से गेन कर रहे हैं इंग्लिश के अंदर. देखो वेन डायग्राम से इसका प्रूफ देख रहे हो. ये सेट ए है ये सेट बी ये सेट है ए माइनस बी तो इसके अंदर कैंडिडेट 30 इंटरसेक्शन में 10. और जो मेरे पास बी सेट है उसमें 50 एलिमेंट टोटल है 50 में से 10 गए 40. तो देखो इन तीनों का जो सम करेंगे वो 80 आएगा. तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 80 स्टूडेंट्स. ठीक है तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 9 तो 9 में स्टेटमेंट कह रही है इन ए ग्रुप ऑफ पीपल 50 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी. 50 कैंडिडेट ऐसे जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं और 30 पीपल स्पीक इंग्लिश बट नॉट हिंदी. 30 कैंडिडेट ऐसे हमारे पास जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं लेकिन हिंदी नहीं बोलते. ऑल द पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज. लेकिन जितने भी कैंडिडेट हैं वो कम से कम दोनों लैंग्वेज से कम से कम एक लैंग्वेज तो बोलते ही हैं और दोनों भी बोल सकते हैं. हाउ मेनी पीपल स्पीक इंग्लिश तो इंग्लिश कितने कैंडिडेट बोलते हैं. देखिए इन ए ग्रुप ऑफ पीपल 50 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लेट ए बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश. लेट ए मैंने मान लिया सेट ऑफ पीपल Who speak English? और B एक सेट है सेट ऑफ पीपल who speak हिंदी. According to question, number of element in A union B is equal to 50. Number of element in A हमने निकाला है बेटा कितने कैंडिडेट इंग्लिश बोलते हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट इन
a माइनस बी इज इक्वल टू 13। ठीक है, हमको निकालना था कि नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक इंग्लिश ओनली, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। अब ए माइनस बी के अंदर 30 एलिमेंट, ए की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 50, तो इसको यहां लाएंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 80, तो 80 कैंडिडेट ऐसे जो इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया। दो वेन डायग्राम से चेक करना, तो बताइए ये मतलब सेट ए, ये सेट बी, ए सेट इंग्लिश कैंडिडेट का, बी हमारा हिंदी वाला सेट का, तो इसके अंदर आ गए टोटल कैंडिडेट 50 इंटरसेक्शन बी में और ए माइनस बी 30। ठीक है, देखो आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, ए क्लास में 40 बच्चे हैं, 16 स्टडी इंग्लिश, 22 अकाउंटेंसी एंड 26 इकोनॉमिक्स, 16 बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं, 22 बच्चे अकाउंटेंसी हैं और 26 स्टूडेंट ऐसे जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, 5 स्टडी इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, 40 अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स एंड 2 स्टडी ऑल थ्री सब्जेक्ट, इफ ई स्टूडेंट स्टडी एट लीस्ट वन ऑफ थ्री सब्जेक्ट फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी, इंग्लिश और अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10, मैंने मान लिया ए इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी इंग्लिश, बी मैंने मान लिया सेट ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी अकाउंटेंसी, सी मैंने मान लिया सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी इकोनॉमिक्स। According to question, number of element in set A, total candidate 40, so A union B union C equal to 40, इसमें से 16 student English पढ़ रहे हैं, accountancy पढ़ते 22 student और economics पढ़ते 26 students, फिर 5 study English and economics, English and economics और 14 अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स, टू स्टडी ऑल थ्री सब्जेक्ट, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 2। ई स्टूडेंट स्टडी एट लीस्ट वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी, तो फर्स्ट पार्ट में निकाला है इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी मतलब ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और सेकंड पार्ट में कह रहे हैं इंग्लिश अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स, या फिर लिख देता हूं फर्स्ट पार्ट हमारे को निकाला है इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी, इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी, और सेकंड पार्ट में निकाला है इंग्लिश अकाउंटेंसी, इंग्लिश अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स। देखो बेटा, तो नाउ को मैं सबसे पहले कह रहा हूं फर्स्ट पार्ट के लिए, देखो क्या करेंगे हम, लेके चलेंगे थ्री सेट का फॉर्मूला ए यूनियन बी यूनियन सी, इसकी वैल्यू होती है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ई सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब टोटल स्टूडेंट है 40, ए के अंदर एलिमेंट है 16, बी के अंदर 22, सी के अंदर 26, और इसकी मेरे को वैल्यू निकालनी है इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी बट नॉट सॉरी इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी मतलब ए इंटरसेक्शन बी एज इट इज, बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 14, ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 5 प्लस में 2, तो ये वैल्यू होगी 40 इक्वल टू, तो 14 और 5 19, 19 2 17,
1 और ये 21 और ये मेरा बन गया 47 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो इस पर लेकर आएंगे तो ये पॉजिटिव हो गया, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 47 माइनस 40, तो दैट इंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 7। तो 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश और अकाउंटेंसी दोनों पढ़ते हैं। अब हमारे को निकाला है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो स्टडी इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसकी वैल्यू आएगी 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। तो 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश और अकाउंटेंसी पढ़ते हैं लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इन एक ग्रुप ऑफ एथलेटिक टीम, एक टीम है एथलेटिक्स टीम है इन स्कूल के अंदर जिसमें से 21 स्टूडेंट ऐसे जो बास्केटबॉल टीम में है, 26 हॉकी टीम के हैं एंड 29 फुटबॉल टीम। ये 14 प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल, 12 प्ले फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, 15 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल एंड 8 प्ले ऑल द 3 गेम्स। फाइंड हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ऑल एंड हाउ मेनी प्ले फुटबॉल ओनली। तो बेटा देखो इसके लिए आपको नई तरीके से क्वेश्चन करता हूं। देखो इसमें आप 3 सर्कल बनाना, पहले यहां पर अल्फाबेट लिखो ए बी सी डी ई एफ और ये जी। ठीक है, मैंने पहला जो सर्कल है उसका नाम दे दिया बास्केटबॉल, बास्केटबॉल। इसको मैंने नाम रख दिया हॉकी और इसका नाम रख दिया मैंने फुटबॉल। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहे कि 21 आर इन द बास्केटबॉल टीम। तो नाउ देखो 21 आर इन द बास्केटबॉल टीम, तो बास्केटबॉल का ये सर्कल है, इस सर्कल जितने भी अल्फाबेट्स आ रहे हैं उनको ऐड कर लीजिए। तो ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 21। फिर करें 26 इन द हॉकी टीम, अब हॉकी वाला सर्कल ये वाला मेरा, तो यहां हो गया बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 26। नेक्स्ट में करेगी 29 फुटबॉल टीम, फुटबॉल टीम का ये सर्कल है मेरा, तो इसके अंदर जो अल्फाबेट्स है उनको ऐड कर दो डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू 29। नेक्स्ट लाइन में करेगी 14 प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल टीम, मेरा हॉकी और बास्केट जो खेलते हैं उनमें कॉमन कौन सा पोर्शन, मेरा बी प्लस ई, देखो हॉकी भी आ रहा है और बास्केटबॉल भी आ रहा है, तो बी प्लस ई इक्वल टू 14। और नेक्स्ट में करेगी 12 प्ले फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, तो इन दोनों को डी प्लस ई 12। और नेक्स्ट लाइन में कह रहे कि 15 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल, हॉकी एंड फुटबॉल, तो ई प्लस एफ इज इक्वल टू 15। और नेक्स्ट लाइन में कह रहे हैं कि 8 प्ले ऑल 3 गेम, मतलब ऐसे कितने कैंडिडेट्स हैं जो तीनों गेम खेलते, तीनों का कॉमन कौन है इस समय, ई वाला पोर्शन तीनों का कॉमन पार्ट है, इसका भी है इसका भी और इसका भी, तो E की वैल्यू आ गई 8। अब E की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो 8 प्लस F इज इक्वल टू 15, तो दैट इंप्लाइज F इज इक्वल टू 7। अब देखो यहां पर फिर से E की वैल्यू पुट कर दो D प्लस 8 इज इक्वल टू 12, तो D इज इक्वल टू 4। अब E की वैल्यू यहां भी पुट कर दो B प्लस 8 इज इक्वल टू 14, तो दैट इंप्लाइज B इज इक्वल टू 6। अब देखो हमारे पास D की वैल्यू है 4, E की वैल्यू 8, F की वैल्यू 7 प्लस G इज इक्वल टू 29, तो दैट इंप्लाइज 8 और 7 15 और 4 19, 29 से 19 में वैल्यू आ गई 10। अब यहां से B की वैल्यू 6 प्लस C एज इट इज, E की वैल्यू 8, F की वैल्यू 7 इक्वल टू 26,
So that implies C is equal to 0. 8 to 10, 15 or 6, 21, 21, 26 to 21 गए, value आगे 5, अब हम चलते हैं यहाँ पर, देखो, A मेरा as it is, B की value 6, D की value 4, E की value 8 is equal to 21, so that implies A is equal to 8 or 4, 12, 12 or 6, 18, तो value आगे 3. तो मेरे पास A, B, C, D, E, F सबकी value आगे, अब हम काम करते हैं, देखो, उनके हमारे से पूछा, how many players are there in all, first part, हाउ मैनी प्लेयर्स देयर आर इन ऑल के लिए हम क्या करेंगे जितने भी हमारे पास अल्फाबेट्स हैं सबको ऐड कर देंगे तो देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी और ये किसके इक्वल है ए की वैल्यू मेरे पास थी प्लस बी बी की वैल्यू 6 सी की वैल्यू 5 डी की वैल्यू 4 ई की वैल्यू 8 एफ की वैल्यू 7 और जी की वैल्यू 10 तो ये वैल्यू आ गई देखो 10 और 17 और 8 25 और 4 29 और 5 34 और 6 40 और ये वैल्यू आ गई 43 इसका मतलब 43 प्लेयर्स है हमारे पास टोटल जो बास्केटबॉल हॉकी और फुटबॉल तीनों गेम्स खेल रहे हैं अब आगे सेकंड पार्ट की तरफ तो सेकंड पार्ट में बोल रहा है हाउ मेनी प्ले फुटबॉल ओनली अब ऐसे कितने प्लेयर्स हैं जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल का केस ये फुटबॉल ओनली में सिर्फ जी वाला पोर्शन आएगा मेरा देखो ये बाकी तो कॉमन आ गया इसके साथ ये वाला पोर्शन तीनों का कॉमन ये इसके साथ कॉमन तो सिर्फ जो फुटबॉल खेल रहे हैं वो वाला पोर्शन कैसे ले रहा जी तो जी इज इक्वल टू 10 ये मेरे 10 प्लेयर्स ऐसे जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं और टोटल प्लेयर्स हमारे पास कितने टीम में 43 ठीक है तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 सबसे पहले अल्फाबेट्स दे दो यहां ए बी सी डी ई एफ और ये जी ठीक है अब की बार इसने एक चीज एक्स्ट्रा दे रहा नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट में दे रखा हमारे को 100 भी और कह रहा है कि इट वाज फाउंड दैट 820 ये है मान लो बेटा मैगजीन ए और इसको मैंने मान लिया मैगजीन डी रीड करते हैं जो ये मेरा सेट है मैगजीन सी वाले पेंडेंट्स का ठीक है अभी कह रहा 28 रीड मैगजीन ए अब 28 पीपल्स ऐसे जो मैगजीन ए को पढ़ते तो ए वाले सर्कल में कौन से उन सब के अल्फाबेट्स को ऐड कर दो ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 28 और 30 रीड मैगजीन बी तो बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 30 थर्ड लाइन कह रहे कि 42 रीड मैगजीन सी 42 तो D प्लस E प्लस F प्लस G इज इक्वल टू 42 नेक्स्ट लाइन में करेगी A रीड मैगजीन A एंड B A एंड B के कॉमन के B प्लस E इज इक्वल टू 8 नेक्स्ट लाइन में करेगी 10 रीड मैगजीन A एंड C 10 तो D प्लस E उसके बाद करेगी 5 रीड मैगजीन B एंड C तो E प्लस F थ्री रीड ऑल द थ्री मैगजीन तो ई की वैल्यू होगी 3 जो तीनों के तीनों मैगजीन पढ़ते हैं तो अभी इसकी वैल्यू यहां डाल दो देखो ई की वैल्यू 3 यहां डालेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस एफ इज इक्वल टू 5 तो दैट इंप्लाइज एफ इज इक्वल टू 2 तो दैट इंप्लाइज डी प्लस 3 इज इक्वल टू 10 तो डी की वैल्यू आ गई 7 तो यहां चलते हैं डी मेरा एज इट इज ई की वैल्यू 3 इक्वल टू 8 तो बी की वैल्यू आ गई 5 यहां से डी की वैल्यू कितनी मेरे पास 7 ई की वैल्यू 3 एफ की वैल्यू 2 प्लस जी इज इक्वल टू 42 तो जी की वैल्यू आ गई 30 क्योंकि 7 3 10 और 12 42 में से 12 गए 30 अब यहां बी की वैल्यू 5 प्लस सी एंड डी ई की वैल्यू 3 एफ की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 30
5 और 3 2 10 सी का लॉग 20। तो हम चलते हैं इसके ऊपर ए एज इट इज, बी की वैल्यू, बी की वैल्यू मेरे पास आ गई 5, डी की वैल्यू 7, ई की वैल्यू 3 इक्वल टू 28, 7 और 3 10 और 15 तो ए की वैल्यू आ गई 13। ठीक है, अब देखो टोटल निकाल लेते हैं पहले आओ, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इक्वल टू, देखो ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 13 प्लस बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 20, डी की वैल्यू 7, ई की वैल्यू 3, एफ की वैल्यू 2 और जी की वैल्यू 30। इन जब सबका सम करेंगे तो देखो बेटा 30 और 2 32 और 3 35 और 7 42 और 20 62 और 5 67 और 13 80, तो टोटल मेरे पास आ गए 80 पीपल ऐसे हैं जो तीनों मैगजीन पढ़ रहे हैं। लेकिन मेरे को निकालना फर्स्ट पार्ट में हाउ मैनी रीड, हाउ मैनी रीड, हाउ मैनी रीड नन ऑफ थ्री मैगजीन्स, नन ऑफ थ्री मैगजीन्स, ऐसे किने कैंडिडेट जो एक भी मैगजीन नहीं पढ़ते हैं। तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन यू माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, तो इसके अंदर टोटल 100 माइनस 80, तो 20 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कोई सी भी मैगजीन नहीं पढ़ते हैं, तो इज इक्वल टू 20, ये मेरे पास आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा हुआ है कि हाउ मैनी रीड मैगजीन सी ओनली, हाउ मैनी मैगजीन सी ओनली, तो देखो इसका मतलब है इसकी वैल्यू जो ये किसकी इक्वल है, जी की इक्वल है, क्योंकि मैगजीन सी में सिर्फ क्वेश्चन जी वाला ऐसा है जो सिर्फ मैगजीन सी को पढ़ते हैं जी के इंडेक्स, तो ये दोनों में कॉमन है, ये इन दोनों में कॉमन है और ये इन दोनों में कॉमन है, तो सिंगल क्वेश्चन में एक बार जी की वैल्यू रह गई, तो जी मतलब जी की कितनी वैल्यू आई थी हमारी, जी के लो 30, तो 30 कैंडिडेट ऐसे हैं जो सिर्फ मैगजीन सी को रीड आउट करते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देगा आपका 3 सेट के ऊपर जितने भी हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कर रहे हैं, इस सर्वे सो दैट 67% ऑफ द पीपल लाइक प्रोडक्ट B1 वेयर एज 73% लाइक प्रोडक्ट P2, दो प्रोडक्ट है बेटा जिसमें से 67 जो पीपल है वो प्रोडक्ट P1 को लाइक कर रहे हैं, 73% की प्रोडक्ट P2 को लाइक कर रहे हैं, और इफ X% ऑफ द पीपल लाइक बोथ द प्रोडक्ट P1 एंड P2, X% पीपल ऐसे हैं जो प्रोडक्ट P1 और P2 दोनों को ही लाइक कर रहे हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ X। तो देखो इसमें मान लिया लेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट P1, लेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट P1, हु लाइक प्रोडक्ट P1, बी मैंने सेट वाले सेट ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट P2। ठीक है, अब देखो परसेंटेज में गिवन है ना, तो मैंने मान लिया लेट द टोटल नंबर ऑफ पीपल, लेट द टोटल नंबर ऑफ पीपल इक्वल टू 100। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 67, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू 73 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए के अंदर 67, बी के अंदर 73 माइनस का एक्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू 140
माइनस एक्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 100. ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू 100, तो इसकी वैल्यू होगी 140 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 100. तो 140 माइनस 100 लेस देन इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 40. अब देखो, वी नो दैट ए इंटरसेक्शन बी कंटेन्ड इन ए एंड ए इंटरसेक्शन बी कंटेन्ड इन सेट बी. So that implies number of element in A intersection B is less than equal to number of element in A, and number of element in A intersection B is less than equal to number of element in set B. So that implies A intersection B को x मान हुआ है less than equal to number of element in set A. अब A set के अंदर कितने element है 67 and x less than equal to 73. अब एक बात ध्यान रखो, जो वैल्यू 67 से छोटी है वो 73 से हमेशा छोटी रहेगी. ये बात क्यों नहीं है कि जो 73 छोटे हो 67 से भी छोटी होगी. मान लो मैंने 72 ले लिया, वो इससे तो छोटी होगी लेकिन 67 से छोटा नहीं होगा. अब मान लो मैंने 66 ले लिया, वो 67 से भी छोटा और 73 से आगे छोटा है. तो दैट इंप्लाइज मैं ये कह सकता हूँ कि एक्स इज लेस देन इक्वल टू 67. इसको मैंने मान लिया 1 और इसको मैंने मान लिया 2. अब मैं कह रहा हूं फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, देखो एक्स की वैल्यू 40 से तो बड़ी और लेस देन इक्वल टू 67, इज द रिक्वायर्ड आंसर. तो बट ये बात ध्यान रखना कि इंटरसेक्शन का सेट ए में भी कंटेन होगा और बी में भी कंटेन होगा. जैसे देखो वेन डायग्राम से बताता हूं आपको, मान लो ए सेट ए है, ये सेट बी है. अब ये जो पोर्शन है ये देखो ए के अंदर भी और बी के अंदर भी, ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो ए में भी कंटेन होता है और बी में भी कंटेन होता है. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 13. अब क्वेश्चन नंबर 14 बेटा आपको खुद करना है. ठीक है,